बिना मेरा रक्षा बंधन। चकोरी, ये इतना महंगा कमरा लेने की क्या जरूरत थी है? बेवजह पैसे फूंक रही है। अरे एक रात ही तो गुजारनी थी, कोई सस्ता कमरा नहीं ले सकती थी होटल में? और ये सब क्या नौटंकी चल रही है? नौटंकी नहीं, मारे ब्याह की तैयारी समझ ले। मतलब कैसी तैयारी? अरे मारा शिकार हाथ लग गया है। कौन? तुझे याद है मैं वो आदमी ढूंढ रही थी, चौड़ी छाती ऊंचा कद, वो गाँव का सरपंच निकला, इतनी मोटी मोटी नोटों की गड्डी लेके घूमता है वो, ऊंची कोटी ऊंचा नाम, हाय राम। ज्यादा ऊंचे सपने ना देख और हमारी बात सुन। तुझे वो छोरी याद है जो मैं ढाबे पे मिली थी? वो घेवर वाली गूंगी? हाँ, अरे ज्यादा अमीर तो ना है पर एक हाथ के जेवर तो दे ही सकती है। अरे यार मुंह से इसे छोटे छोटे सपने देखना बंद कर दे। सरपंच साहब ने दूसरी ब्याह करने का मन बना लिया और ये मौका मैं बिल्कुल हाथ से नहीं जाने दूंगी। अरे पर हमारी बात तो सुन ले चकोरी। फैसला हो चुका है, क्या तुम्हारा साथ दे वरना अभी अपना साथ छोड़ दे। ठीक है, ना तेरी ना हमारी, हम दोनों अपने अपने शिकार की तरफ बढ़ेंगे। जो हारा उसको जीतने वाले की मदद करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं तो वैसे ही सही, मंडल तुम्हारा तू ही सजाएगा, क्योंकि उम्मेद सिंह को मैं तो हाथ से फिसलने नहीं देने वाली, और बनूंगी तो मैं ही उसकी रानी। बंद कर दे, ज्यादा साज सजावट करने लगी है। अभी की तैयारी मन ने भी तो करनी है। भाई साहब फोटो क्यों हटा रहे हो? बताता हूँ। शादी वाला खेल होने वाला है, पहले बता दे तो मैं अपनी सहेलियों को भी बुला लेती, कितना मजा आता ना। अरे रसू, अब से तो रोज घर में बाजे बजेंगे, लाइट झूमर चमकेंगी, हम लोग रोज नए नए कपड़े पहनेंगे और रोज रोज नए नए पकवान भी बनेंगे। सच्ची? पर क्यों, क्या होने वाला रोज रोज बताना भाई साहब। रोज 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 होने वाली है शादी। और पता है गुड्डा कौन है? कौन? वो नए वाला क्या जिसकी अज्जू ने पेंसिल से मूछें बनाई थी, वो क्या? अपने बापू सा। अपने बापू सा की शादी होने वाली है, वो हमारे लिए माल आने वाले हैं। भाई साहब अपनी पतंग मासा तक पहुंच गई क्या? मासा ने भगवान जी को मना लिया कि वो उनको वापस भेज दे, मानी मासा वापस आ रही है। अरे बुद्धू, हमारी मासा कैसे वापस आ सकती हैं? वो तो भगवान जी के पास है ना, और जो लोग भगवान जी के पास चले जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। फिर बापू सा मासा को कैसे ला रहे हैं? बापू सा दूसरी मासा लाने वाले हैं, जिससे हमारी दूसरी मासा यानी नई मासा आ जाएगी, और फिर इस दीवार पर नई मासा की फोटो के लिए भी तो जगह होनी चाहिए ना। नई मासा मतलब सौतेली माँ? हाँ। सौतेली माँ भाई को बहन से अलग कर देती है,
अपने भाई साथ साथ रहना चाहती है ना, तो कभी भी तेरे बापू सा को सौतीन माँ मत लाने देना। अरे पर हम साथ में इतने मजे करते हैं तो सौतेली माँ की क्या जरूरत? जरूरत कैसे नहीं, जब नई माँ आ जाएगी तो हमारा खूब ख्याल रखेगी, तुम्हारी चोटियाँ बनाएगी, तुझे मन पसंद खाना भी खिलाएगी, रात को तुझे लोरी गाकर सुलाएगी, हम सबका खूब ख्याल रखेगी, और सबसे बड़ी बात बापू सा को भी एक साथी मिल जाएगा। अभी मैं तेरे लिए बिस्तर लगा रहा हूँ, कुछ दिनों बाद नई माँ साहब चादर बिछाएगी तारे वास्ते। ना ना मन्ने, नई माँ साहब ना चाहिए, सब काम जानू हूँ मैं, अपना बिस्तर खुद लगा लूंगी। हो गया बिस्तर बचाना, सब काम अपने आप कर लोगी ना, तो चल अब खुद से सो भी जाओ। चल अपने आप, पर मन्ने से लाने का तो काम आपका है ना, तो अपना तो काम करो आप। मारा नहीं, मासा का काम होता है, जब नई मासा आ जाएगी ना तो वो तुझे गोद में लेकर सुलाएगी। अब बोल, नई मासा चाहिए या नहीं? सौतेली माँ भाई को बहन से अलग कर देती है, तो अपने भाई साथ साथ रहना चाहती है ना, तो कभी भी तेरे बापू सा को सौतेन माँ मत लाने देना। चल अब तू सो जा। चकोड़ी का जाल है, बड़े बड़ों का काल है, सरपंच सा निचोड़ ही डालूंगी। जल्दी से अपने कपड़े और चादर धो देती हूँ। इधर चादर धोए तो बापू साहब को मालूम पड़ जाएगा कि मैंने क्या किया है, नहीं धोए तो भाई साहब बोलेंगे कि नई माँ की जरूरत है, क्या करूँ? लूट लूंगी। कसा बदन कसा बाजू और पीठ पे बहती पसीने की धार, ऐसा लगता है पर्वत से नदी खेलते खेलते बह रही है। निचोड़ डाला चकोरी को सरपंच साहब।